बच्चों आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति? देखो सुनो, चाहे सेंटा क्लॉज के लिए एक चिट्ठी में अपनी विश लिखकर रख देना हो, या जन्मदिन में पूरे परिवार से अपनी मुरादें पूरी करवाना हो, या फिर इस हॉट सीट पर आने की तमन्ना पूरी करनी हो, शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसे अपने दिल की ख्वाहिश पूरी होने की खुशी ना हो। ये खुशी अनमोल होती है और इसी अनमोल खुशी को समर्पित है कौन बनेगा करोड़पति का ये पूरा हफ्ता, जिसको हमने नाम दिया है आशा अभिलाषा। आशा अभिलाषा ये एक ऐसा प्रयास है जिसमें हम अपनी स्टूडियो ऑडियंस, यहाँ जो बैठी हुई है, हमारे खिलाड़ी जो यहाँ बैठे हुए हैं, या फिर अपने दर्शकों की कोई एक सिलेक्टेड विश को पूरा करने की कोशिश करेंगे और उनसे कहेंगे योर विश माय कमांड। लेकिन उससे पहले आप सब मेरी एक मुराद पूरी कर दीजिए। जोरदार तालियों के साथ हमारे इस नए हफ्ते के खिलाड़ियों का स्वागत किया जाए। ये रहा उनका परिचय। सबसे पहले स्वागत कीजिए कोरिया छत्तीसगढ़ से एक स्टूडेंट का पंकज कुमार सिंह। इसके बाद मिलते हैं बेलापुर महाराष्ट्र से डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में रजिस्ट्रार संजय जायसवाल। अब आते हैं नाडियाड गुजरात में और मिलते हैं एक डांस टीचर से नम्रता शाह। बढ़ते हैं भोपाल मध्य प्रदेश की दिशा में और मिलते हैं एक गृहिणी से जिनका नाम है रुचि जैन। भोपाल से चलते हैं अलवर राजस्थान की तरफ, मिलते हैं एक टैक्सी ड्राइवर से, वीरेंद्र सिंह यादव उनका नाम है। हमारी अगली खिलाड़ी जम्मू एंड कश्मीर में एक डॉक्टर है विशाली शर्मा। स्वागत कीजिए नई दिल्ली से एक स्टूडेंट का जिनका नाम है लक्ष्मी नारायण प्रधान। अब आते हैं उमरिया मध्य प्रदेश में और मिलते हैं एक टीचर से प्रांशु त्रिपाठी उनका नाम है। उमरिया से आते हैं जबलपुर मध्य प्रदेश की तरफ और मिलते हैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से ओशन पटवा उनका नाम है। और अंत में स्वागत कीजिए बेंगलुरु कर्नाटक से एक डेप्यूटी चीफ इंजीनियर का युवराज अप्पा बीसी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और अब समय आ गया है फास्टेस्ट सिंगर फर्स्ट का। रेडी कंटेस्टेंट्स, ऑल द बेस्ट यू। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से कौन सा उपकरण 4K और 8K के रेजोल्यूशन में भी आता है? Which of these appliances also comes in resolutions of 4K and 8K? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने, A refrigerator, B television, C air conditioner, D microwave oven. Refrigerator, television, air conditioner, microwave oven. हो गया समय समाप्त। ये देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है B television. अब देखते हैं किन किन लोगों ने बी उत्तर जवाब दिया है। इन सभी लोगों ने जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? रुचि जैन ने 1.33 सेकंड में जवाब दिया है और हमारी लीडर बोर्ड की पोजीशन में रुचि जैन जी सबसे प्रथम स्थान पर पहुंचे। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, एक आईपीएल मैच के दौरान इनमें से कौन सी प्रक्रिया सबसे पहले होगी? During an IPL match, which of these would occur first? और आपके options ये आपके सामने, A strategic break, B award presentation, C toss, D the 20th over. समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है C toss. अब देखते हैं C में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम, सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय में किसने जवाब दिया? लक्ष्मी नारायण प्रधान ने दिया 1.13 सेकंड में। तो लीडर बोर्ड पे रुचि जी आगे चल रही थी, अब देखते हैं क्या स्थिति होती है लीडर बोर्ड पे। लक्ष्मी नारायण जी प्रथम स्थान पर पहुंच गए। अब आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से कौन सी राजधानी सबसे पूर्व में स्थित है? व्हिच ऑफ दीज इज द ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल सिटी? And your options are, ये आपके सामने, A London, B ढाका, C Cairo, D Seoul. London, ढाका, Cairo, or is it D Seoul? समय समाप्त।
देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है डी, सोल। अब देखते हैं कि किन किन लोगों ने सोल कहा है। केवल 1, 2, 3, 4 लोगों ने, और सबसे कम समय में किसने कहा? नम्रता शाह ने कहा 3.56 सेकंड में। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड पर क्या स्थिति बनती है। लक्ष्मी नारायण जी आगे चल रहे थे। यहां पांव रखने की जगह है। पंकज कुमार जी, जी सर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, बहुत। और हम सब की शुभकामनाएं हैं। जी सर, किस तरह हमारी जनता ने खड़े होकर के आपका अभिनंदन किया है, आपको धन्यवाद दिया है। जी सर, और आपको बधाई दी है। ऑलराइट, क्या चल रहा है आपके मन के अंदर पंकज जी, ये पहले बताइए। सर, सबसे पहले मैं एक लाइन बोलूंगा सर, आज मुझे ऐसा लग रहा है सर, मुझे आज मोक्ष मिल गया। अगर भगवान कहें कि आप यहीं से लाइफ खत्म कर दो। अरे तो नहीं, ऐसा कभी मत सोचिए, लेकिन बहुत बहुत बधाई आपको पंकज जी। तो देवियों संजो, मेरे सामने इस हफ्ते के पहले खिलाड़ी आ चुके हैं। ये कोरिया छत्तीसगढ़ में एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है ये, उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। पंकज जी। जी सर। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज आप इस हफ्ते के पहले खिलाड़ी हैं जी, जो हॉट सीट पर आ गए हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में शायद अपने माता पिता को लाए हैं। प्रणाम करता हूँ भाई साहब, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम पिताश्री? कैलाश सिंह। कैलाश सिंह, और माता जी भी आई हैं। चंद्रावती देवी। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। तो पंकज, सबसे पहले हमारे यहाँ जितने नियम होते हैं वो समझाना हमें बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है सर। 15 प्रश्नों का एक यहाँ पर पहाड़ खड़ा हो जाता है। हाँ। है? जी सर। और उत्तर देते जाइए और उसके सामने जितनी भी धनराशि वो जीतते जाइए। जी। 1000 रुपए से शुरुआत होती है, बढ़ते 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 पहुँच जाते हैं 1 करोड़ पर। जी। वहाँ पहुँचते पहुँचते 2 पड़ाव पड़ जाते हैं। जी। 5वें प्रश्न पर 10,000 का और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार जो है वो खुल जाता है, जैकपॉट पर। एक दुगदुगी जी हैं, बचती रहती है। ये आपको 45 सेकंड देंगी, पहले 5 प्रश्नों तक, 5 से 10 तक देंगे 60 सेकंड, उसके बाद ये शांत हो जाएंगे। यदि आप कहीं अटक जाएं, चांस मत लीजिएगा। 4 लाइफलाइन रखी हुई है आपके लिए। ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, 50-50 है। Okay. इसके बाद फ्लिप द क्वेश्चन है, क्वेश्चन बदल सकते हैं। और आस्ती एक्सपर्ट जी, तो उनसे आपका परिचय करवा दूं मैं। देवेंद्र संजो हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं, पत्रकारिता जगत में बहुत ही जाना पहचाना नाम है उनका, और वो है मुकेश शर्मा जी। जी। मुकेश जी बीबीसी न्यूज के इंडिया डिजिटल एडिटर हैं। नमस्कार करता हूँ आपको मुकेश जी, आ गए। तालियों के साथ उनका अभिनंदन हो जाए, जोरदार तालियों के साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, और पंकज जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बड़े मंच पर हैं, सहज और संयत होकर खेलिए और बड़ी राशि जीतिए। हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी। तो मुकेश जी हमारे साथ पूरे खेल के दौरान रहेंगे। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया। पंकज जी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, बहुत ध्यान से खेलिएगा, आराम से खेलिएगा। जी सर, बहुत बहुत। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। इनमें से क्या एक व्यंजन है जो आमतौर पर दही में सब्जियां मिलाकर बनाया जाता है? विच ऑफ दीज इज अ साइड डिश यूजुअली प्रिपेयर्ड विद कर्ड एंड वेजिटेबल्स? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने, ए खीर, बी बासुंदी, सी रायता, या डी रबड़ी। दही और सब्जियों को मिलाकर के बनाया जाता है। लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाएं। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं पहले प्रश्न पर, कौन सी लेंगे आप? ऑडियंस बोल। ऑडियंस बोल लेना चाहेंगे, इसको अंकित कर दीजिए।
ऑलराइट ऑडियंस, जल्दी से जवाब दीजिए और पंकज जी को विजयी बनाइए। आपका समय शुरू होता है अब। रायता सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है भाई साहब, अभी आप मुस्कुरा रहे हैं। सर मुझे क्या बताऊं? हैं? सी कोई है? बात नहीं, कंफर्म सी। सी कंफर्म है, लॉक कर दें इसे, रायता सी को ताला लगाया जाए। जनता बिल्कुल सही है, उन्होंने आपको जिता दिया पहले प्रश्न का उत्तर दे करके 1000 रुपए। अरे भाई साहब रायता नहीं खाते हैं क्या? सर मैंने 4 में से 3 तो मैं बिल्कुल अच्छे से जानता था। हाँ। लेकिन बी का ऑप्शन मुझे जानता है, जानकारी नहीं थी, इसीलिए मैंने कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। ऑलराइट पंकज जी आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न ठीक है। 2000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। आंख नीची होना मुहावरे का अर्थ है डैश होना। What does the proverb आंख नीची होना mean? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए टू बी स्केर्ड यानी भयभीत, बी टू बी अशेम्ड शर्मिंदा, सी टू बी सैड यानी दुखी होना, या डी टू बी डिस्गस्टेड यानी घृणित। बी कंफर्म, बी शर्मिंदा होना। बी जी ताला लगा दें, कंफर्म कर दिया उन्होंने, ताला लगाइए शर्मिंदा को। बिल्कुल सही उत्तर है आप। आप थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ना जी। हाँ ओके, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके सामने ये रहा। शाहरुख खान की इस सुपर हीरो फिल्म के शीर्षक से क्या गायब है? रा डैश क्वेश्चन, व्हाट इज मिसिंग फ्रॉम द टाइटल ऑफ शाहरुख खान सुपर हीरो फिल्म? रा डॉट आता है उसके बाद और फिर डैश। ऑप्शन सुनिए। ए 1, B2, C3, E4। कंफर्म ए। कंफर्म ए। 1 ताला लगा दें जी। ए को ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका, बिल्कुल 3000 जुड़ गया। आपके सबसे प्रिय फिल्म कलाकार कौन है? एक्टर में नहीं, एक्ट्रेस फेवरेट है। बोल दीजिए कैसे। कोई माता जी सुन रही हैं, बाबू जी भी सुन रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बोल दीजिए क्या है मन में। जेनेलिया डिसूजा। जेनेलिया डिसूजा, अरे वाह क्या बात है। क्या है भाई साहब, उनका तो हो गया है विवाह। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर मुझे। अच्छा आपके लिए कोई प्रॉब्लम है? थोड़े मुझे शादी करनी है हमसे। आपको बताया जेनेलिया जो है ना फिल्मों में आने से पहले पहले ऐड वगैरह करती थी। अच्छा। उसका जो सबसे पहला ऐड था वो हमारे साथ था। अच्छा। हाँ। कनेक्शन है सर। बस कनेक्शन हो गया हमारा और आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न आ रहा है। 5000 रुपए इसका मूल्य है। ये रहा आपके सामने चौथा प्रश्न। पारंपरिक 4 धामों में से कौन सा तीर्थ या धाम देश के सबसे पश्चिमी भाग में स्थित है? Which traditional 4 धाम site is located in the westernmost part of our nation? A. बद्रीनाथ, B. पुरी, C. रामेश्वरम या D. द्वारका। सर कंफर्म D. द्वारका। द्वारका को कंफर्म करते हैं? हाँ, गुजरात में। पहला पड़ाव आ गया है, 5वां प्रश्न 10000 रुपए। ये रहा आपके सामने प्रश्न। रोग और उसके विशेषज्ञ से संबंधित कौन सी जोड़ी सही नहीं है? Which combination of disease and specialist is the odd one out? समझ गए? Okay. ऑप्शन सुनिए। A. Blood cancer hematologist, B. Breast cancer oncologist, C. Breathing problem pulmonologist, D. Kidney dysfunction neurologist. रक्त कैंसर hematologist, स्तन कैंसर oncologist,
श्वास संबंधी समस्या, पल्मोनोलॉजिस्ट, गुर्दे की समस्या, न्यूरोलॉजिस्ट। क्या लाइफलाइन? लाइफलाइन शांत शांत। लाइफलाइन लेंगे? जी। कौन सी लाइफलाइन? फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, ऑलराइट। इसको अंकित कर दीजिए, फ्लिप द क्वेश्चन। अब भाई साहब इस प्रश्न को हटा देंगे हम, तो इस प्रश्न को हटा देंगे, एक नया आएगा। जाने से पहले इसको उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक पे उंगली रखिए। गुर्दे की समस्या। गुर्दे की समस्या, यानी कि डी। डी पे ताला लगाया जाए। भाई साहब यदि आप बोलते तो सही होते, ये सही उत्तर है। ऑलराइट, तो एक हमको आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी सूची में आपने क्या विषय लिया। करंट अफेयर। करंट अफेयर, ओके। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर चुना है कंप्यूटर जी, इन्होंने। इस प्रश्न को हटा दीजिए। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर के आधार पर पंकज जी के सामने अगला प्रश्न जो है वो प्रस्तुत किया जाए। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर के आधार पर अगला प्रश्न आ गया भाई साहब। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का उद्देश्य किस शहर में 86 एकड़ भूमि का नवीनीकरण और पुनर्विकास करना है। The Central Vista Project aims to renovate and redevelop 86 acres of land in which city? Okay? जी. Options रखता हूँ आपके सामने। A. New Delhi, B. Mumbai, C. Bengaluru, D. Kolkata. Confirm A. Confirm कर दें? जी. नई दिल्ली को कह रहे हैं A confirm किया जाए, lock कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इस परियोजना का उद्देश्य सेंट्रल दिल्ली में 86 एकड़ भूमि का नवीनीकरण और पुनर्विकास करना है, जिसमें संसद भवन होगा, राष्ट्रपति भवन होगा, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक सहित भारत सरकार की ऐतिहासिक संरचनाएं भी जो हैं वो शामिल होंगी। ठीक है। 10,000 रुपये आपने जीत लिए भाई साहब। अपने दर्शकों के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो एंक्यूलोसिस है, ये बड़ी गंभीर बीमारी होती है और जैसा कि आप जानते होंगे कि स्पाइन में जितनी हड्डियां जब वो जुड़ जाती हैं तो वो एक तरह से स्टिफ हो जाती हैं एकदम और बैंड हो जाती है। रीढ़ की हड्डी जो है वो इंसान की सबसे महत्वपूर्ण हड्डी होती है, वो अगर काम करना छोड़ दे तो ऐसी स्थिति हो जाती है, न चल सकते हैं, दर्द बेहद होता है और सारे काम जो हैं वो रुक जाते हैं। इसमें दवाइयां तो चली रही हैं और उसमें इंजेक्शन भी लेना पड़ता है प्रतिदिन। हाँ, बट वो सबको सूट नहीं करता है। आपको किस तरह की दवाइयां मिल रही हैं? सर, डॉक्टर ने यही कहा कि इसका कोई परमानेंट क्योर तो नहीं है, आपको लाइफ टाइम ऐसे ही मतलब मेडिसिन पे ही लाइफ पूरी गुजारनी पड़ेगी। उस वक्त इंजेक्शन सजेस्ट किया था तो वो मैंने मुझे लगाया भी गया कि इससे कुछ 2-4 साल कम से कम आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, बट वो इंजेक्शन भी मुझे सूट नहीं किया। तो लेकिन अब जो है एक मेडिसिन ही है, बट वो मेडिसिन तो मैं खाता रहा लेकिन साथ में मेरा प्रॉब्लम ही बढ़ता ही रहे और सर धीरे 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 आगे पढ़ाई बंद हो गई। जब चलता था लगता था रोक रहा है मुझे, कोई पैर को पकड़ रहा है, कमर को पकड़ रहा है, फिर धीरे 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 इतना स्टिफ हो गया और इतना पेन बढ़ने लगा सर मुझे। ऑलमोस्ट एक टाइम ऐसा था कि मैं ऑलमोस्ट बेड पे था, बेड पे रोते हुए गुजरता था क्योंकि इतना ज्यादा पेन था, कोई बस टच भर कर दे बस, इतनी तकलीफ होती थी, इतनी सर मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता वो फीलिंग। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती थी जब मेरे सामने मेरे मम्मी पापा मुझे ऐसा देखकर वो मतलब वो सोचता वो लोग क्या सोचते होंगे। फिर जैसे भी मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग किया, अगर मुझे मैं वीक हो जाऊंगा तो घर वाले और भी ज्यादा वीक हो जाएंगे और भी सोचेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैंने मुझे खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है और मुझे ये सोचना है कि जो भी है जैसा भी है मुझे इस कंडीशन से निकलना है और कम से कम इतना एबल तो होना है कि अपने पैरों पर मैं खड़े हो सकूं कम से कम। यह बहुत अच्छी बात है।
ऑलराइट पंकज जी, आगे बढ़ते हैं खेल में। हम चाहते हैं कि आप इसी आदर सम्मान के साथ आगे बढ़ें, ढेर सारी धनराशि लें और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो सब पूरी हो जाए। अब देखिए छठा प्रश्न आएगा और दुगदुगी जी आपको देंगी 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। यह है छठा प्रश्न, 20,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यहाँ किस असुर का वध किया जा रहा है? आपको हम एक छवि दिखाएंगे, एक पिक्चर दिखाएंगे, आपको बताना है विच असुर इज बीइंग स्लेन हियर। कैन यू सी द इमेज प्लीज? विकल्प रखता हूं आपके सामने, ए राहु, बी केतु, सी हिरण्यकश्यप, डी हिरण्याक्ष। सी, कंफर्म सी, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप जी, सी जी, ताला लगा दें जी, सी हिरण्यकश्यप, ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने, बधाई आपको, 20,000 रुपये जीत गया। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से जो वरदान प्राप्त था कि वो मानव, देव या पशु इनमें से किसी के हाथों नहीं मारा जा सकता, इस वरदान को भंग किया। बिना उसे मारने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया। नरसिंह इनमें से कोई नहीं थे क्योंकि उनका आधा भाग मानव का था और आधा पशु, जैसे कि आपने अभी चित्र में देखा था। और ये जो चित्र आपने देखा है ये हमें अमर चित्र कथा के सौजन्य से मिला है, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऑलराइट, अब भाई साहब आप जीत गए हैं 20,000 रुपये। आ रहा है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपये ये रहा आपके सामने। ये भी एक तस्वीर है। इस तस्वीर में नजर आ रहे खिलाड़ी ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? इन विच स्पोर्ट डिड द प्लेयर सीन इन दिस पिक्चर रिप्रेजेंट इंडिया एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स? तस्वीर दिखाएंगे हम आपको, ये देखिए तस्वीर। देख लिया, और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए रेसलिंग, बी बैडमिंटन, सी जूडो या डी शूटिंग। कुश्ती, बैडमिंटन, जूडो या निशानेबाजी। जूडो नहीं है, बैडमिंटन नहीं है, निशानेबाजी नहीं है, कुश्ती। ए प्लीज कंफर्म, ए कुश्ती। ए कुश्ती कंफर्म करवा रहे हैं, दबा लगाया जाए। जीत गए भाई साहब आप बिल्कुल, 40,000 रुपये जीत गए हैं। ये जो तस्वीर थी ये रवि कुमार दहिया, 2 बार एशियाई कुश्ती चैंपियन रहे हैं, उन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक हासिल किया था। देखा था सिल्वर में, देखा होगा आपने? बिल्कुल सर देखा। और अभी इनके चेहरे पर आपने देखा होगा उस दौरान भी जब परिणाम आया सिल्वर का, बहुत निराश लग रहे थे। हाँ। क्योंकि उन्होंने कहीं किसी से कहा भी था और प्रण भी दिया था कि मैं देखिए गोल्ड मेडल जीत के आऊंगा जी सर, लेकिन देखिए उन्होंने कहा कि अभी चलिए ठीक है, अब की बार तो नहीं हुआ, अगली बार हम जरूर गोल्ड लेके आए। इन सब लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। बिल्कुल सही कहा आपने, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के भी आप भी इसी तरह अपना जीवन जी रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, एक प्रश्न पिताजी आपसे पूछना चाहूंगा मैं। जी जी। जब आपको पता चला डॉक्टरों से कि पंकज इस बीमारी से पीड़ित हैं, क्या लगा आपको? सीएमसी भेलोर जब मैं ले गया जी, समय मैं ही था और पंकज, हॉस्पिटल का पाया जी जी, डॉक्टर ने कहा क्यूरेबल डिजीज नहीं है, इट मे बी ओनली कंट्रोल। जिस पेशेंट के सामने डॉक्टर ने बोला कंट्रोल हो सकता है, क्योर नहीं हो सकता है, वो भी लॉन्ग टाइम लगेगा जी जी, वो तो उसको तो टूट जाना चाहिए, लेकिन इसने हौसला और बुलंद किया। शरीर से तो बहुत कमजोर है, मेरे ही सजेशन था सर के शरीर से तो तुम कमजोर हो, कुछ नहीं कर सकते हो, दिमाग खर्चा करो और केबीसी में लगाओ। तो ये 5वां साल में ये आया है सर आपके सामने। अरे वाह। और इसके चलते हम लोगों को आपके सामने बैठने का सौभाग्य मिला, अवसर मिला सर। नहीं नहीं सर, ये ऐसी कोई बात नहीं है सर, बात दरअसल ये है कि किस तरह इन्होंने अपने मन को प्रोत्साहित किया है कि वो आज यहाँ बैठ सके।
वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, बजाय इसके कि वो हमसे मिलें या आप हमसे मिलें। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है और इतना बढ़िया उदाहरण बन गए आप पंकज जी। मैं बताऊँ आपको, यहाँ तक आना और यहाँ हॉट सीट पर आकर के बैठना बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, सालों साल लग जाते हैं, बहुत साल। तो आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और इसी तरह आप अपने मन को दृढ़ रखिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए का, ठीक है जी सर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, लोकसभा चुनाव कभी नहीं जीतने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? Who has been the only prime minister to have never won a Lok Sabha election? सोच लिया? जी। विकल्प रखता हूं आपके सामने पंकज। ए एच डी देवेगौड़ा, बी मनमोहन सिंह, सी इंदर कुमार गुजराल या डी वीपी सिंह। लोकसभा जीतने वाले मनमोहन सिंह लग रहा, मनमोहन सिंह राज्यसभा से, राज्यसभा पे थे। सर बी कंफर्म। बी कंफर्म मनमोहन सिंह जी। ताला लगाइए बी पे कंप्यूटर जी। काफी देर लगाई आपने सोच, लेकिन जो भी सोचा सही सोचा आपने, बधाई। मनमोहन सिंह जी को इलेक्टेड टू राज्यसभा फ्रॉम असम। अगर वही बात मुझे दिमाग में थी। हाँ सर, जैसे जैसे गेम बढ़ा थोड़ा सा, ओ, पहला सर जो पहले दो क्वेश्चन है मैं लाइफ लाइन लिया है, दोनों मुझे 100% पता था, लेकिन पता नहीं। कोई बात नहीं है, बहुत से ऐसे खिलाड़ी आते हैं यहाँ पर, शुरुआत में कोई भी वजह रही हो, घबराहट होती है, ये होता है वो होता है, वो लाइफ लाइन ले लेते हैं, लेकिन आगे चल करके वो बहुत ऊपर जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आप भी और ऊपर जाएंगे। सब ये कहते हैं कि आपको देखकर टेंशन हो जाता है, मुझे ये बिल्कुल नहीं लगा अभी तक। क्यों टेंशन होगा मुझे देखकर? सर मुझे अदर सर जैसे मैंने मुंह ढक लें क्या हमें से? सर एक बात सर कर सकता हूं? जी जी सर, आने के बाद सर, क्योंकि हम लोग सर छोटे जगह से हैं, आपको अभी तक सिर्फ टीवी में ही देखा है, अभी तक पहली बार रियल देख रहे हैं। सर आप बहुत पतले लग रहे हैं। हम बहुत पतले लग रहे हैं जी सर? मतलब पहले जब आप हमको पिक्चर में देखते हम मोटे दिखते थे जी, मतलब थोड़े हेल्दी दिखते थे, आज मतलब। अच्छा अभी हम बीमार दिख रहे हैं आपको? तो कुछ करना पड़ेगा कंप्यूटर जी, कुछ करिए हमारे लिए, इनको हमारी छवि जो है वो ठीक नहीं लग रही है। ऑलराइट आगे बढ़ते हैं, नवा प्रश्न आएगा आपके सामने, ये है 1,60,000 रुपए का, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा देश विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? जूट। Which of these countries is the world's largest producer of jute? विकल्प सुनिए, ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी चीन चाइना या डी इंडिया। बांग्लादेश, नेपाल, चीन या भारत। नेपाल, चीन। भारत। डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब। भारत दुनिया में होने वाले जूट के कुल उत्पादन का लगभग आधे हिस्से का उत्पादन करता है। उपलब्ध मौजूदा आंकड़ों के अनुसार भारत सालाना लगभग 2 मिलियन टन जूट का उत्पादन करता है, 2 मिलियन टन का। ऑलराइट, देवेंद्र सर जो एक सूचना मैं अभी कहना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए, जैसा कि हमने बताया था कि ये पूरा हफ्ता जो है हम अपने दर्शक, यहाँ बैठी जनता और खिलाड़ियों को समर्पित कर रहे हैं, और हमने इसको जो शीर्षक दिया है वो है आशा अभिलाषा। तो इस सिलसिले में
सबसे पहला मौका मिलता है हमारी स्टूडियो की ऑडियंस को, है कि नहीं? अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डोंगा है, देख रहे हैं, एक कांच का डोंगा है। इसमें जितने भी आज स्टूडियो की ऑडियंस आई हुई है, सबके नाम है इसके अंदर। इसको हम थोड़ी देर हिलाएंगे और हिलाने के बाद इसमें से एक पर्ची चुनेंगे, तो जिसका भी नाम आएगा उसमें, उसको अवसर मिलेगा अपने विश को पूरा करने का। ठीक है, अब इसको हिला दिया है, देख रहे हैं ना आप। ऐसा ना हो कि आप लोग सोचें कि हम पहले से इसमें डाले हुए कुछ। ये हिल गया और ये हमने उठा लिया है। अब पर्ची खोलते हैं, श्रुतिका राठौड़। श्रुतिका जी, आप हैं। तो जैसा कि आपने सुना होगा, हमने कहा है कि कोई भी अगर आपके मन में विश हो तो विश हम पूरा करने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे जी। सबसे पहले मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ, और आपके साथ लाइव बात करने का मुझे मौका मिला है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है सर। मुझे कितनी खुशी हो रही है इसका अंदाजा ही नहीं आपको। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आपसे हम बातचीत कर रहे हैं जी। सर, मेरी एक छोटी सी इच्छा है, अगर आप पूरी कर दे तो। जी जी सर, अग्निपथ का, अग्निपथ की अगर पोएट्री अगर आप सुना दे तो सर बहुत खुशी होगी। ये बाबूजी की लिखी हुई कविता है अग्निपथ। ये बाबूजी ने तब लिखी थी जब भारत जो है वो अंग्रेज़ों की हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा था, जितने सत्याग्रही थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने ये लिखा था कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हों भले खड़े, हों बड़े हों घने, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, श्वेत रक्त अश्रु से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी वजह से बाबूजी की कविताएं जो है हमको याद हैं, और इस बात का हमें भी बहुत गर्व है, और हमको अच्छा लगता है जब इतने वर्षों के बाद भी लोग जो है कविता सुनने के प्रेमी हैं और बाबूजी की कविताएं सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑलराइट पंकज जी, अब आपका ध्यान। जी सर, मेरी एक विश है। आपकी भी एक विश है? जी। ओहो, हमने एक शब्द इस्तेमाल किया था, कोशिश। जी, प्रयत्न किया जाएगा। सर, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं उसको। हैं? कर सकते हैं आप। जी बताओ सर। मैं अच्छा, सुनिए, हम आपसे पहले हम बता दें आपको कि अगले प्रश्न का उत्तर हम नहीं बताएंगे आपको। काश अगर वो भी मांग सकता। बोलो सर। जी जी सर, मेरी वजह से ये है कि सर मेरी मम्मी पापा की उम्र हो गई है सर, उनको 24 घंटे एक ही बात का टेंशन रहता है कि हमारे बाद मेरा क्या होगा, किसके भरोसे रहेगा। फिजिकली और फाइनेंशियली अभी तक मैं इन पे ही डिपेंडेंट हूँ, तो सर उनको बस ये चीज़ आप बता दीजिए और एहसास दिला दीजिए कि मैं आप रहें, ठीक है, आपके बाद भी मैं अपनी खुद की जिम्मेदारी खुद से संभाल लूँगा, जो भी लाइफ उनकी है उनको एंजॉय करें, मेरे बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, बस। सुन ली आपने बात बाबूजी? सुन तो लिया। आपके पुत्र कह रहे हैं कि आप बहुत चिंतित रहते हैं उनके बारे में, तो वो आपको आश्वासन दे रहे हैं कि वो ठीक हैं, वो अपनी देखभाल कर लेंगे, आप अपना जीवन जो है निश्चिंत होकर के जिए, खुश रहिए। मैं जानता हूं कि बहुत सारा दुख है आपके मन के अंदर, लेकिन वो कह रहे हैं आप चिंता मत कीजिए। इनको देख करके, इनकी बातें सुन करके मुझे लगता है ये अपने आप को संभाल लेंगे। मान ली हमने आपकी बात। थैंक यू। अगला प्रश्न ये है, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का, खेल का दूसरा पड़ाव। खेल
चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास, महत्वपूर्ण। ओके, दसवां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, पंकज कुमार जी ये रहा आपके सामने। धूमिल इनमें से किस कवि के नाम का हिस्सा है? धूमिल इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ दीज ऑथर्स नेम्स, समझ गए? विकल्प रखता हूं आपके सामने, ए सुदामा पांडे, बी शिव मंगल सिंह, सी भारत भूषण अग्रवाल या डी केदारनाथ सिंह। लाइफलाइन, शांत हो जाएं, लाइफलाइन लेंगे, आखिरी बची हुई लाइफलाइन है, आस्क द एक्सपर्ट, इसको अंकित कर दीजिए। और मुकेश जी आपकी बारी आ गई, मुकेश शर्मा जी एक प्रश्न पे उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, पंकज जी प्रश्न सुन ही लिया होगा मेरे प्रश्न, लेकिन पढ़ के सुना देता हूं आपको। धूमिल इनमें से किस कवि के नाम का हिस्सा है? विकल्प रखने जा रहा हूं, 60 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। ए सुदामा पांडे, बी शिव मंगल सिंह, सी भारत भूषण अग्रवाल या डी केदारनाथ सिंह। जी पंकज, जो धूमिल नाम है ये सुदामा पांडे जी का नाम है, और सुदामा पांडे जी एक हिंदी के कवि हुए हैं जो बहुत ही क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। संसद से सड़क तक जैसी रचना उनकी है जो काफ़ी लोकप्रिय रही है, और उन्हीं के नाम के साथ ये धूमिल शब्द जुड़ा हुआ है, उन्हें धूमिल के तौर पे कहा जाता है। तो आप निश्चिंत होकर के सुदामा पांडे के साथ जा सकते हैं। थैंक यू सर। जाएंगे उनके साथ? थैंक यू। जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या करें, सुदामा पांडे, प्लीज कंफर्म सुदामा पांडे। ये सुदामा पांडे पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। और मुकेश जी आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बधाई, जितवा दिया आपने इनको 3,20,000 रुपए। मान्यवर आपके नाम एक चेक आ गया है 3,20,000 रुपए का। तीन लाख बीस हजार रुपए सुना है आपको? यस सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। आज तक एक रुपया भी मैं नहीं कमाया था, आज 3,20,000। वही मैं कहने जा रहा था, ये आपका मनोबल है जी सर, ये आपकी दृढ़ता है जीवन से हार न मानना जी सर। और देखिए जी कितना बड़ा उदाहरण बन गए हैं ये, आज अपने बल पर इन्होंने आज अपनी पहली कमाई जीती है 3,20,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपके पास। तो पहले तो ये बताइए कि जो 3,20,000 रुपए मिले हैं आपको, ये कीजिएगा क्या इसका? सबसे पहले तो जो भी है उनके चरणों में अर्पित होगा पहले। वाह। और उसके बाद सर सबसे पहले ये मेरा मोबाइल पिछले 5-6 साल पुराना है, और मैंने सोच कर रखा था कि अब ये मोबाइल अब मैं मम्मी या भाई किसी को बोलूंगा नहीं खरीदने के लिए, जो मेरी मेरा नेक्स्ट मोबाइल होगा वो मैं खुद अपने पैसों से खरीदूंगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, वाह। मेरे सारे जो स्कूल के दोस्त थे वो तो आगे बढ़ गए, मेरे साथ कोई बचा नहीं, लगभग मैं अकेले ही हो गया लाइफ में। तो मेरे लाइफ में अगर कोई मेरे साथ रहा है अभी तक तो वह मेरा मोबाइल ही रहा है। मैं किसी से भी प्रॉब्लम को भी शेयर नहीं करता था, मैं जानता हूँ किसी से भी शेयर करूँगा तो उसको और टेंशन ही होगा, किससे करूँ मैं अपनी बात। तो भाई जो भी है अपनी फीलिंग खुद में रख के अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मोबाइल में ही यूज़ करता हूँ। मोबाइल पे आप ज़्यादातर करते क्या है, केवल कार्यक्रम देखते हैं या इन्फॉर्मेशन? मोबाइल में ज़्यादातर यही जैसे स्टडी रिलेटेड कोई भी चीज़। जी जी सर, अभी जो भी मैंने अभी जो भी आंसर दिया है वो बुक से नहीं, वो सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट से ही दिया है। ऐसे लेट जाता हूँ और मेरा मोबाइल ऐसे वैसे चलते रहता है और मैं सुनते रहता हूँ, या तो ऐसे साइड में रख देता हूँ। देखो कि ज़्यादातर ऐसा करूँगा तो मेरे यहाँ हैंड में पेन होता है। अरे तो आजकल बहुत सारे यंत्र आ गए हैं, ऐसे डंडी लगा करके उसके ऊपर चिपका दीजिए फोन को, सब कुछ दिखाई देता है। पर हम लोग सर कुएं के मेंढक हैं, ये सब के बारे में भी हम कुछ नहीं, पता नहीं। बहुत आसानी से मिल जाता। अब आपने कह दिया कि आप जो भी लेंगे अपने कमाई से लेंगे, वरना हम आपको दे देते। आप दे सकते हैं सर? हाँ दे सकते हैं, बिल्कुल दे देंगे हम। सर जो भी देंगे वो तो प्रसाद समझ के ले लेंगे सर, आप बस दे दीजिए। तो मिल गया प्रसाद आपको? जी सर बिल्कुल, आप देंगे। अच्छा दो प्रसाद देंगे आपको? जी बिल्कुल।
एक तो डंडी देंगे जी और एक मोबाइल देंगे आपको। ठीक है। अच्छा भाई साहब, हमने सुना है कि आप अपनी एक दुकान खोलना चाह रहे हैं। हाँ सर, क्योंकि अगर मुझे सेल्फ डिपेंड होना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिजिकल वर्क में जॉब तो नहीं कर सकता, ऐसा मैं कोई काम करूँ ऑनलाइन, ताकि मैं घर में भी रह सकूँ, केयर करने वाले भी घर में मिल जाएंगे और मैं कुछ इनकम भी जनरेट कर सकूँ। मतलब जो भी, जैसे मोबाइल का रिचार्ज हो गया, अब इसके लिए किसी को बोलना पड़ेगा भैया रिचार्ज कर दो या पापा रिचार्ज कर दो, ये मैं नहीं चाहता हूँ। कम से कम मेरे पास इतना इनकम तो मंथली आ जाए, मैं अपना मोबाइल रिचार्ज या कोई कपड़ा खरीदना हो, तो वो मुझे किसी को कुछ भी बोलना ना पड़े। बहुत अच्छी बात कही आपने। ओके मान्यवर, आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज पेश करना चाहते हैं। ये कौन है? हाय पंकज। ये जनीलिया है। अरे मैम, पहचानिया मैम। हाय पंकज, हाउ आर यू मैम? जनीलिया जी, मतलब एक साथ सारे सपने पूरे हो रहे हैं आज। मतलब सर, आप लाइफ में कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। एक लाइन सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, जनीलिया आपने इतने जल्दी शादी क्यों कर लिया? पंकज, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू आई लव यू टू। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर मेरी तरफ से। ऑल जब से मैंने आपको पहली बार देखा है ना, मतलब वो प्यार व्यार क्या होता है नहीं, मतलब पहली प्यार भी आप ही हैं, पहली क्रश भी आप ही हैं, जो है सब कुछ आप ही हैं। थैंक यू, थैंक यू। एक बात, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। एक लाइन और सर, उस समय पे एक छोटा मोबाइल घर में था, वो पहला फोन था जिसमें वॉलपेपर सेट कर सकते थे, तो सर उसमें वॉलपेपर, जो पहला वॉलपेपर मैंने सेट किया था वो आपका ही था। अच्छा सुनिए जुनीलिया, अब इन्होंने बोल दिया कि आपने शादी क्यों किया है। जिनसे ब्याह किया है अगल बगल खड़े हैं, क्या उनको भी लाइए ना कैमरा के सामने। रितेश, ये यतीन, मैं इनको इनको यकीन दिला रहा हूँ कि ब्याह हो चुका है और ये पति देव है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पहले गुड लक पंकज जी, आप बहुत बढ़िया फील रहे हैं, आपको शुभकामनाएं। एंड आई एम फाइन, माय वाइफ लविंग यू। सर आपकी जोड़ी बहुत बिल्कुल परफेक्ट है सर, एक एग्जांपल है सर जोड़ी कैसे होनी चाहिए, और सर आपकी जोड़ी हमेशा भगवान का दुआ की हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच जनीलिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। तो देवियों सज्जनों, आपने देखा कि आज के हमारे कार्यक्रम का जो शीर्षक था आशा और अभिलाषा, वो दोनों ही पूरे हो गए आज, तो है कि नहीं? अभिलाषा भी और आशा भी। जी सर। ठीक है कि नहीं? ऑलराइट। ओके पंकज जी, अब ध्यान आ जाए आपका खेल के ऊपर। 3,20,000 रुपए जीत लिए आपने। जी सर। कुछ चीजें बता दें आपको। जी। एक तो ये दुगदुगी जी शांत हो जाएंगे। जी। और यहाँ हमारा जो 16वां प्रश्न है ना, 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। अब यहाँ पर समय ही समय आपके पास, लेकिन जो नहीं है आपके पास वो है लाइफ लाइन, चारों की चारों लाइफ लाइन चली गई, चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। जी। परंतु खेलिएगा जरूर इस प्रश्न, जी, क्योंकि आप कुछ हारेंगे नहीं अगर गलत हो गया प्रश्न। जी। तब ये है 6,40,000 रुपए का। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस वीडियो में जो व्यक्ति बोल रहे हैं वो किस कंपनी के को फाउंडर हैं? हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे पंकज जी। द स्पीकर इन दिस वीडियो इज द को फाउंडर ऑफ विच कंपनी? कैन यू सी द वीडियो प्लीज? हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यदि आपको, जब आप सफल होते हैं, दुनिया की निगाहें आप पर होती है, उस सफलता तक पहुंचने के लिए आपने कितना परिश्रम किया है,
उस पर शायद सब लोगों का ध्यान नहीं होता है। हम ऐसा ही मानते हैं कि हर सफलता के पीछे अथक पुरुषार्थ होता है। हमने इसी तरह से पुरुषार्थ किया। हंस रहे हैं कि मालूम है, हंस रहे हैं कि नहीं मालूम है? मालूम है। अच्छा चलिए सर, ये हमेशा मेरे चेहरे पे रहता ही है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखने के बाद और बढ़ गया है। विकल्प रखता हूं आपके सामने भाई साहब। ये रहे विकल्प, ए चरक फार्मास्यूटिकल्स, बी वैद्यनाथ ग्रुप, सी पतंजलि आयुर्वेद, डी हिमालय वेलनेस। सर प्लीज कंफर्म सी। एक मिनट, कंफ्यूज हो रहा हूं। सुन लीजिए, समय समय आपके पास। एक मिनट सर, एक मिनट ले लेते हैं। पतंजलि है। फाइनल उत्तर? ऑलराइट, पतंजलि आयुर्वेद, सी ताला लगाया जाए। अब 6:40 पे एक पहुंच गए हैं। पतंजलि आयुर्वेद बिल्कुल सही उत्तर है। ऑलराइट पंकज जी, आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर। मूल्य है 12,50,000 रुपए। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। यदि आपको उत्तर ना आए तो आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, आप क्विट कर सकते हैं। जी। ठीक है, ठीक सर। जीती हुई रकम 6:40 बहुत ही महत्व रखती है आपके जी, जीवन में। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। दिसंबर 2020 में किस क्रिकेटर ने दशक के आईसीसी पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार जीता? इन दिसंबर 2020 विच क्रिकेटर वन द सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड? द सर, अब ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए विराट कोहली, बी स्टीव स्मिथ, सी एमएस धोनी, डी कुमार संगकारा। कुमार संगकारा तो नहीं है, स्टीव स्मिथ टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, टेस्ट प्लेयर में उनको मिला है, एमएस धोनी को स्पिरिट के लिए मिला है, तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट के करना चाहेंगे सर? कंफर्म ए विराट कोहली। और सोच समझ के कहा है विराट कोहली, ए को ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, बारह लाख पचास हजार जीत गया। वेल प्लेड। विराट कोहली ने 2011 से लेकर के 2020 आईसीसी पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड जीता। दिसंबर 2020 में आईसीसी द्वारा दशक के क्रिकेटर का पुरस्कार पहली बार दिया गया। इतना सारा ज्ञान है आपको भाई साहब, बधाई। एक छोटी सी चेतावनी दूंगा मैं आपको जी। यहाँ आकर के, क्योंकि अगला प्रश्न जो है वो 25 लाख रुपयों का है, बहुत से लोग जो हैं, जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं, वो लालच में आकर के गेस्वक करना चाहते हैं, खेल जाते हैं और बात गलत हो जाती है। गेस्वक यहाँ चलता नहीं। या तो आपको सही उत्तर मालूम है या नहीं मालूम। न मालूम हो तो आप क्विट कर सकते हैं। 12,50,000 आप यहाँ से जीत के जा सकते हैं। ठीक है। बहरहाल अगर आप आगे खेलना चाहें हम आपको बिल्कुल रोकेंगे नहीं, वो आपका अधिकार है। बिल्कुल है। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। आठवीं शताब्दी में शुजाउद्दौला ने किस वर्तमान जिले में छोटा कलकत्ता नामक किले का
निर्माण करवाया। In which present day district did Shuja-ud-Dawla build the Chota Calcutta fort in the 18th century? A. Amethi. B. Ayodhya. C. Murshidabad. D. Varanasi. सर मुर्शिदाबाद लग रहा है। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख रुपए जी, गलत आपको नीचे ले आएंगे 320 पर। कोई लाइफलाइन नहीं है? ध्यान तो सर मुझे सी पे ही जा रहा है, बट मैं 100% श्योर तो नहीं हूँ। और सर ये 12,50,000 मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बाद सीधे 320 बिल्कुल मैं वो नहीं चाहूँगा कि वो मेरे साथ हो, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ जितने मैंने किया उसके में सेटिस्फाइड हूँ, और उसके बाद मैं क्विट करना चाहूँगा। सही उत्तर नहीं मालूम तो लग रहा है सी, लेकिन मैंने 100% नहीं सर, 100% श्योर होना जरूरी है। ये आपका अंतिम निर्णय है? जी सर। क्विट करेंगे आप? जी। और अनुमति देते हैं कि आप खेल को क्विट करें पंकज कुमार जी। कभी नमाश है, पंकज जी खेल को क्विट कर रहे हैं। 12,50 जीतते हैं आप, तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। और ये जो 12,50 है भाई साहब, ये डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 12,50,000 रुपये कन्फर्म किया और ये 12,50 पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में। मान्यवर इस प्रश्न का उत्तर देना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। भाई मुर्शिदाबाद सी मुर्शिदाबाद पे ताला लगाया जाए। अच्छा हुआ आप नहीं खेले, ये गलत होता। सही उत्तर है अयोध्या, इसलिए मैं 100% नहीं था सर, 100% श्योर नहीं था। अच्छा किया आपने जी, वो कलकत्ता। अब ये खंडहर में तब्दील हो चुका है, इसे कलकत्ता खुर्द और फोर्ट कलकत्ता भी कहा जाता है। शुजा उद्दौला अवध के नवाब थे, उन्होंने ये किला फैजाबाद में बनवाया था। 2018 में फैजाबाद ज़िले का नाम अयोध्या ज़िला किया गया। मान्यवर बहुत बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर, आपकी बातें सुन करके, आपका जो मनोबल है उसे देख करके, जो सांत्वना आपने दी अपने माता पिता को वो सुन करके, हम अपनी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप इसी तरह सक्षम रहें, सुरक्षित रहें, सफल रहें, और शीर्ष जो भी आपको पीड़ा है उससे आप मुक्ति पाएं। तो एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक समय था कि मुझे लगता था मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, एक टेंशन बन के आया हूँ, टेंशन बन के ही रहूंगा हमेशा। वो आज अपनी इस कंडीशन में जितने भी प्रॉब्लम हो सबको सहने के बाद भी मैंने अपने सुनप का सपना पूरा किया, अपने मम्मी पापा का भी सपना पूरा कर दिया। तो देखो संजो, आपने देखा पंकज कुमार सिंह छत्तीसगढ़ से 12,50,000 रुपए जीत करके। समय आ गया एक और फास्टर फिंगर फर्स्ट का। कंटेस्टेंट्स रेडी हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इनमें से कौन सी अभिनेत्री अभिनेता शक्ति कपूर की बेटी है? विच ऑफ दीज एक्ट्रेसेस इज द डॉटर ऑफ एक्टर शक्ति कपूर? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, ए जानवी कपूर, बी वाणी कपूर, सी श्रद्धा कपूर, डी सोनम कपूर। समय समाप्त हो गया, सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी श्रद्धा कपूर। देखते हैं किन किन लोगों ने श्रद्धा कपूर उत्तर दिया है, ये रहे उनके नाम। सबने सही जवाब दिया, फिल्में बहुत देखते हैं सर। ऑलराइट, सबसे कम समय में किसने दिया है? ओशिन पटवा,
1.21 सेकंड्स में दिया है और जो हमारी लीडर बोर्ड की स्थिति बनती है वो अश्विन जी सबसे प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, इनमें से क्या भारतीय नौसेना का कमीशन्ड रैंक नहीं है? Which of these is not a commissioned rank in the Indian Navy? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने, ए एडमिरल, बी ब्रिगेडियर, सी कॉमोडोर, डी कमांडर। एडमिरल, ब्रिगेडियर, कॉमोडोर, कमांडर। समय समाप्त, सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी ब्रिगेडियर है सही जवाब। देखते हैं बी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। ये रहे उनके नाम, जो कि तीन को छोड़कर सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किसका? प्रांशु त्रिपाठी ने सबसे तेज जवाब दिया है। और लीडर बोर्ड की क्या स्थिति बनती है देखते हैं। प्रांशु जी नंबर एक स्थान पर पहुंच गए हैं। आइए अब खेलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। कुरुक्षेत्र युद्ध में इनमें से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? विच ऑफ दीज इवेंट्स फ्रॉम द कुरुक्षेत्र वॉर टुक प्लेस लास्ट? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने, ए चक्रव्यूह की रचना, बी भीष्म का बाण शैया पर लेटना, सी गीता का उपदेश, डी कर्ण की मृत्यु। फॉर्मेशन ऑफ द चक्रव्यूह, बी भीष्म लेइंग ऑन बेड ऑफ एरोज, सी प्रीचिंग ऑफ द गीता, या डी डेथ ऑफ कर्ण। समय समाप्त हो गया, सही उत्तर क्या होना चाहिए? डेथ ऑफ कर्ण, कर्ण की मृत्यु, यह है सही जवाब। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल चार लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किसका है? ओशिन पटवा का सही उत्तर है। और लीडर बोर्ड पर क्या स्थिति बनती है? ओशिन पटवा नंबर वन स्थान पर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो अब बहुत सारी जानकारी जानना चाहेंगे हम आपसे, लेकिन कल आज का खेल यही समाप्त हो गया है। ओशिन, हूटर बज गया। जैसा कि आप जानते हैं, जब हूटर बजता है तो हमें खेल को समाप्त करना पड़ता है। ओके, तो जाने से पहले ओशिन, आपसे विदाई लेने से पहले हम विदाई लेंगे मुकेश शर्मा जी से, जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं। मुकेश जी, एक बार प्रस्तुत होइए हमारे सामने, और हम आपको अपनी तरफ से और सारी जनता यहाँ जो बैठी है उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कदमे संजो, समय समाप्त की घोषणा हो चुकी है और मैं अब आपसे विदाई लूँगा। देखिए, जाने से पहले देवियों संजो, मेरी एक प्रार्थना है कि आप सब खुश रहें। ये केवल बुजुर्गों का आशीर्वाद ही नहीं है, बल्कि जीवन का एक बहुत ही अच्छा सार है, अनुभवों का आधार है। तो खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। इसी आशा और अभिलाषा के साथ मैं विदा लेता हूँ। कल फिर खुशी खुशी आपसे मिलेंगे। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।